हेलो गाइस, मेरा नाम है फैसल और आप लोगों का स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी के न्यू फ्रेश एपिसोड में। तो गाइस, आज मैं सिर्फ और सिर्फ वन प्लस फाइव के जो यूजर्स हैं उन लोगों के लिए एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जो है एंड्रॉइड ओरियो के बेस्ड। तो गाइस, जितने भी हमारे यूजर्स हैं वन प्लस फाइव के, तो वो लोग काफ़ी वेट कर रहे थे ओरियो के लिए, क्योंकि वन प्लस ने फर्स्ट बीटा वर्जन चालू जो अनाउंस किया या फिर देना चालू किया वो सिर्फ और सिर्फ था 3 और 3T के लिए। तो फाइव जो वन प्लस फाइव ले चुके हैं, जो यूज़र वन प्लस फाइव को काफ़ी पसंद करते हैं, तो वो काफ़ी अपसेट थे, डिसअपॉइंट थे। तो गाइस, वन प्लस फाइव ने फिर से एक अपडेट दे दिया है बीटा वर्जन का। तो गाइस, मैं वो बीटा वर्जन की बात नहीं करने वाला हूँ, मैंने काफ़ी देखा वो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस है बीटा वर्जन के। तो गाइस, मैं फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मेरे पास एक कुछ लिख निकल के आई है वन प्लस फाइव के लिए जो है स्टेबल वर्जन, वो भी ऑक्सीजन ओएस 5.0 के बेस्ड एंड्रॉइड ओरियो के साथ। तो गाइस, हम बस इसी बारे में बात करने वाले कि ओरियो स्टेबल वर्जन 5.0 के अंदर हमें कितने फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या क्या ऑप्शंस किस जगह पे हमें मिलने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ स्टेबल वर्जन जो हमारा है 5.0 ऑक्सीजन ओएस का, जस्ट रिसेंटली मैंने फ्लैश किया इस लिंक को, इस लिंक मुझे एक लिंक मिली थी, उस लिंक के ऊपर जाके मैंने डाउनलोड किया, उसको फ्लैश किया है। तो वहाँ पर मैंने 2 दिन उसको डीपली यूज़ किया है कि किस तरह के फीचर्स अंदर दिए गए हैं, किस तरह के लैगिंग अंदर हमें मिलते हैं, इशू है या फिर नहीं है, काफ़ी स्टेबल है या फिर काफ़ी स्टेबल नहीं भी है। तो गैस, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गैस, मैंने 2 दिन पहले ही इसको रिसेंटली मतलब फ्लैश किया है, उसके बाद मुझे मुझे एक अपडेट मिला है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि 2 दिन पहले ही मुझे एक लिंक मिली, उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट की एक अपडेट मिली है फैमिली की। तो गैस, मुझे ओटी अपडेट भी मिला है, तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि हमें ओटी अपडेट मिला है। तो गैस, चलिए देखते हैं, मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि ये स्टेबल वर्जन है और स्टेबल वर्जन के बाद भी आपको इम्प्रूवमेंट ओटी अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मेरे पास वाइट कलर का, वाइट गोल्ड कलर का एक फ़ोन है जो है वन प्लस फाइव, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट है। तो यहाँ पर वन प्लस फाइव की बात करें हम, तो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास जो है वो स्टेबल वर्जन है ऑक्सीजन ओएस वर्जन 5.0, और उसके साथ साथ यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन जो है वो है 8.0.0। तो एंड्रॉयड पेज लेवल की बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी पेज लेवल की, तो 1 अक्टूबर 2017 का जो पेज लेवल है वो है। तो गाइस, ये स्टेबल वर्जन है, ये ना तो कोई क्लोज बीटा वर्जन है, ना ओपन बीटा वर्जन, ना कोई भी बीटा वर्जन नहीं है, स्टेबल वर्जन है गाइस। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, अगर आप फ्लैश करते हो तो यहाँ पर कोई भी बग्स या कोई भी इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस, आप इजीली और काफ़ी ईजी है इसको फ्लैश करना, मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए डाउनलोडिंग, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हो, तो आपको वहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक लिंक छोड़ूंगा, उससे वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या इम्प्रूवमेंट है वो आपको दिखा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेस लॉक काफ़ी चला है यहाँ पर गाइस, तो मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो फेस लॉक का जो ऑप्शन है वो मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो गाइस, काफ़ी फास्ट है, काफ़ी स्मूथ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं फेस लॉक अनलॉक करता हूँ, ये देख रहे हैं आपको, ये देखो लुक, ये आईफोन एक्स और S8 सर सारे फ़ोनों से काफ़ी फास्ट है, काफ़ी फास्ट और काफ़ी एक्योर है। तो गाइस, मैंने काफ़ी यूज़ किया है इसको 2 दिन से, और लो लाइट में भी काफ़ी ये अच्छा परफॉर्म कर लेता है, तो काफ़ी बेटर चीज़ है ये। तो फेस लॉक आप ऐड कर सकते हो फिंगरप्रिंट, अगर आपका ऐड नहीं करना है तो आप फेस लॉक से भी काम करा सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर कोई फिंगरप्रिंट ऐड नहीं किया, आप देख सकते हो फेस लॉक से काम चला रहा हूँ, तो काफ़ी बेटर है और लो लाइट के अंदर भी काफ़ी बेटर इसका परफॉर्मेंस निकल के आ जाता है। उसके साथ हम बात करें यहाँ पर सेटिंग यूआई की, सेटिंग यूआई में काफ़ी कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक दो ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो पहले हमें नहीं मिलता था वो 8.0 के अंदर मिलता है, यहाँ पर व्हाट्सएप के अगर मुझे मैसेज आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे मिले हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन इंडिकेटर कोई भी नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो है वो इंडिकेटर ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पर, जैसे ही मुझे अगर मैसेज की कोई मैसेज मिलते हैं तो यहाँ पर एक इंडिकेटर बटन ऑन हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर ग्रीन कलर का दिखा रहे हैं वहाँ पर एक येलो कलर का या फिर कोई भी एनिमेशन के साथ आपको मिल जाएगा, जिससे आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि हमें मैसेज मिले हैं। उसके साथ बात करें इम्प्रूवमेंट की, तो यहाँ पर गैलरी भी काफ़ी इम्प्रूव की गई है, यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड कर दिया गया है, जो यहाँ पर फोटो और एल्बम का ऑप्शन यहाँ पर पहले ऊपर आता था, यहाँ पर फोटो कनेक्शन और प्लेस का ऑप्शन दे दिया गया है।
उसके बाद यहाँ पर कैमरा यूआई को चेंज किया गया है। आप देख सकते हो कैमरा यूआई पहले इस तरह से नहीं दी गई थी, अभी काफ़ी लुक बेटर कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर देख सकते हो फाइल मैनेजर है, फिर काफ़ी सब चीज़ें जो माइनर इम्प्रूवमेंट की गई है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आप नोटिफिकेशन एयर की बात करें तो यहाँ पर टॉगल्स जो थे वहाँ पर पहले 3 दिए गए थे, जैसे 1, 2, 3 बस दैट्स इट। तो एक पेज के अंदर आपको 9 टॉगल्स यहाँ पर दिए गए थे 7.0 वर्जन के अंदर, बट यहाँ पर अपडेट होने के बाद यहाँ पर आपको 4 टॉगल्स मिल जाते हैं, जैसे रो और कॉलम आपको काउंट करते तो 12 टॉगल्स यहाँ पर आपको एक ही पेज पे मिल जाते हैं। तो आपको स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मेन सारे जितने भी टॉगल्स हैं वहाँ पर आपको एक ही पेज पे मिल जाएंगे। तो आप सेट कर सकते हो यहाँ पर एडिट में जाके, ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो फर्स्ट पेज पर ले लो। 12 टॉगल्स इनफ है यूसेज के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर भी ये काफ़ी स्मूथ कर दिया गया है, पहले इतना स्मूथ नहीं था। तो गाइज काफ़ी बेटर है, आप अपग्रेड करके इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए आपको, ये मेरा एक गुड सजेशन है अगर आप करना चाहते हो। तो काफ़ी स्टेबल वर्जन है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक नई चीज़ जो मुझे रिसेंटली अपडेट मिला है। यहाँ पर मैंने चेक किया, जस्ट मैंने ऐसे ही चेक किया, मुझे पता नहीं था कि मुझे ये ऐसा कुछ सिक्योरिटी पेज या ऐसा कुछ अपडेट मिलेगा। तो गाइस काफ़ी अच्छी बात है, ये लीक मुझे सिर्फ 2 ही दिन पहले मिली है, और ये लीक अपडेट मैंने यूज़ करने के बाद मैंने 2 दिन बाद इसको अपडेट चेक किया तो मुझे यहाँ पर अपडेट भी मिल गया है। जो है अपडेट सिक्योरिटी पेज वो नवंबर का है, उसके साथ कैमरा और ब्लूटूथ इम्प्रूवमेंट है, उसके साथ सिस्टम स्टेबिलिटी भी इम्प्रूवमेंट्स की गई है। तो गाइस काफ़ी अच्छी बात है, वन प्लस को थम्सअप है मेरे तरफ से। तो काफ़ी बेटर है फ़ोन का परफॉर्मेंस, फ़ोन का कैमरा, सारी चीज़ें A to Z में थम्सअप है। बैटरी बैकअप भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है आफ्टर मैंने अपडेट होने के बाद। तो गाइस मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपडेट कर सकते हो 8.0 के अंदर, जंप कर सकते हो 8.0 में। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। गाइस आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल हो सकता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लेके आते रहता हूँ। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।